नमस्कार। पैसों का किस्मत कनेक्शन। पैसा आज के दौर में केवल बेहद जरूरी चीज बन गया है। इसके बिना न केवल आपको जीवन में कमियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अब तो ये आपके मान सम्मान का भी कारक बन गया है। ऐसे में आज हर व्यक्ति जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। कई बार पूरी मेहनत के बावजूद लोगों के पास पैसा नहीं आ पाता, तो कई बार कम मेहनत के ही खूब पैसा आ जाता है। माना जाता है कि जब तक आपकी किस्मत खराब रहती है, तब तक आपके पास धन की कमी बनी रहती है। ऐसे में धन संबंधी समस्याओं से निवारण के लिए आपकी किस्मत का खुलना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सोई हुई किस्मत को कैसे जगाया जाए, तो इसे लेकर कुछ खास उपाय हैं जिनके संबंध में माना जाता है कि इन्हें अपनाने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। जानकारों के अनुसार आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के स्थिति में व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आप भी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ज्योतिष से जुड़ी लाल किताब के माध्यम से आप धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए इस किताब में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, लेकिन इन उपायों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साथ ही ये उपाय करने के लिए मन में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक होता है। किस्मत खुलने से लेकर धन प्राप्ति तक ये उपाय आजमा सकते हैं। ज्योतिष में माता लक्ष्मी को शुक्रवार की कारक देवी माना जाता है, वहीं शुक्रवार को भाग्य का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार को किसी ताले की दुकान पर जाकर बिना खोले ही ताला खरीद लाएं। उस ताले को जांचने के लिए भी न खोलें, न ही दुकानदार को खोलने दें। अब इस ताले को रात में अपने पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद ताले को किसी मंदिर पर रखाएं और उस तरफ पलट कर भी न देखें। इस उपाय के अनुसार जब कोई उस ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा धन संबंधी समस्याएं आ रही है, तो रात में अपने पलंग के नीचे सिरहाने की ओर किसी पात्र में जौ भरकर रखें। सुबह उठकर जौ किसी पशु को खिला दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। घर के सभी सदस्य रसोई में ही भोजन करें। खाना परोसने से पहले एक हिस्सा कौवे, दूसरा हिस्सा कुत्ते और तीसरा हिस्सा गाय के लिए निकालें। प्रत्येक शनिवार को रोटी पर घी लगाकर कुत्ते के खिलाएं। इससे धन संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। 5 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लेकर उसको मिलाकर रोटियां बना लें। इन रोटियों को गुरुवार की शाम को किसी गाय को खिलाएं। यह उपाय 3 गुरुवार तक नियमित रूप से करें। इस उपाय को करने से दरिद्रता समाप्त होती है। भगवान का पूजन करने के बाद दरवाजे पर दहलीज का पूजन करें। दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें और उस पर चावलों की ढेरी बनाएं। अब पूजा की 2 सुपारी लें। ध्यान रहे सुपारी कहीं से भी खंडित न हो। इन सुपारियों पर कलावा लपेटकर दोनों ओर के चावलों की ढेरी पर रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और धन लाभ होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। धन कमाने के लिए 3 शुक्रवार को करें उपाय। आर्थिक संपन्नता के लिए किसी भी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष को यह प्रयोग आरंभ करें और नियमित 3 शुक्रवार को यह उपाय करें। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार इसके तहत प्रत्येक दिन नित्य कर्म व स्नान के बाद अपने घर में
पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं। ओम मंत्र बोलें, ओम श्री श्रेय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद 7 वर्ष की आयु से कम की कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। भोजन में खीर और मिश्री जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी, आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी। वहीं हर शुक्रवार लाल या सफेद परिधान पहने, हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण कर उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि जब भी कोई रत्न पूजन करके धारण करें तो उसी समय उस रत्न से संबंधी सामग्री का दान करना चाहिए। इससे रत्न संबंधी ग्रह की शुभता बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप घी चीनी मिलाकर सुबह खाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।